श्री गणेशाय नमः। नमस्कार मित्रों, स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान गंगा में। हिंदू परंपरा के अनुसार शिशु के जन्म के 11वें या 12वें दिन नामकरण संस्कार किया जाता है। ये संस्कार सूतक के बाद ही संपन्न कराया जाता है। चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी और अमावस्या तिथि को ये संस्कार नहीं करना चाहिए। वहीं सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार का दिन शुभ माना जाता है। इसके अलावा अश्वनी, सतभिषा, स्वाति, चित्रा, रेवती, हस्त, पुष्य, रोहिणी, मृगशिरा और अनुराधा, उत्तराषाढ़, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा भाद्रपद, श्रवण नक्षत्रों का नामकरण संस्कार के लिए बेहद शुभ माने जाते हैं। नामकरण संस्कार में दो नाम रखे जाते हैं, पहला गुप्त नाम और दूसरा प्रचलित नाम। तो चलिए जानते हैं कि मई 2020 में नामकरण मुहूर्त कब है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आगामी मुहूर्त की जानकारी के लिए आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। 3 मई 2020 दिन रविवार, रात के 9:43 से 12 बजे तक है। 4 मई 2020 दिन सोमवार, सुबह 5:37 से रात के 12 बजे तक है। 7 मई 2020 दिन बृहस्पतिवार को सुबह 5:35 से 11:08 तक रहेगा। 8 मई 2020 दिन शुक्रवार को सुबह 8:38 से रात के 12 बजे तक रहेगा। 13 मई 2020 दिन बुधवार को सुबह 5:31 से रात के 12 बजे तक रहेगा। 17 मई 2020 दिन रविवार को दोपहर 1:58 से रात के 12 बजे तक रहेगा। 18 मई 2020 दिन सोमवार को सुबह 5:28 से रात के 12 बजे तक रहेगा। 20 मई 2020 दिन बुधवार को सुबह 5:27 से शाम के 7:44 तक रहेगा। 24 मई 2020 दिन रविवार को सुबह 5:25 से रात के 12 बजे तक रहेगा। 27 मई 2020 दिन बुधवार को सुबह 7:28 से रात के 12 बजे तक रहेगा। 31 मई 2020 दिन रविवार को शाम के 5:38 से रात के 12 बजे तक रहेगा। तो ये थी जानकारी मई माह के नामकरण मुहूर्त की। मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ।